धर्म स्नेही बंधुओं, संसार में दो तरह के सुख होते हैं, एक क्षणभंगुर और एक शाश्वत। एक थोड़ी सी देर को मिला, खत्म हो गया। एक मिल गया तो कभी खत्म नहीं होगा। एक सुख बाधा सहित होता है और एक सुख बाधा रहित होता है। दोनों सुख धर्म से ही मिलते हैं। बात मुझे ये बतानी है कि दोनों सुख धर्म से ही मिलते हैं, भी नहीं लगाना, धर्म से ही मिलते हैं। आपके घर में सुख है कि नहीं, कौन सा वाला है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला, बाधा सहित क्षणभंगुर, कौन सा है? आपके पास में क्षणभंगुर सुख है, इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख बाधा सहित सुख, क्षणभंगुर सुख, संसारी सुख। थोड़ी देर को मिलता तो है, ऐसा है कि नहीं मिलता? ना मिले तो आदमी फिर भागे ना। कुछ देर को एहसास तो होता है, रसगुल्ला खाया अच्छा तो लगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगा। सज धज के तैयार हुए, सुख तो मिला। अच्छी सी साड़ी पहन ली, अभी मान लो आप 2-5 हज़ार की साड़ी पहनी है, क्या फीलिंग आ रही है? यदि आपको कोई 50 हज़ार की साड़ी गिफ्ट करे और फिर वो साड़ी पहनो तो उसकी फीलिंग अलग होगी। अरे बोलिए ना, अरे हाँ तो बोलिए, हैं जरा 2-5 तोले की चैन हो मोटी वाली गले में, फीलिंग अलग आएगी, हैं? हाथ में सोने के कंगन हो, बेड़ियाँ, लोहे की पहनते तो वो जेल जाते हैं और सोने की पहनते हैं तो वो घर में बंद हो जाते हैं। बंद दोनों को होना है, वो भी नहीं भाग सकता है, ये भी नहीं भाग सकती है। शादी के बाद भाग सकते क्या? नज़र कैद है, निकल के जरा दिखाओ तो, जरा बिना बताए कहीं जाके दिखाओ तो सही। जैसे वो कैदी नहीं भाग सकते, ऐसे तुम भी नहीं भाग सकते। जब भी घूम फिर के आओगे तो वहीं लौट के आओगे, तो उसकी फीलिंग अलग होती है। कोठी बनाओ, बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, उसमें जाके रहो तो उसकी फीलिंग अलग अलग होती है। अपने मकान में रह रहे हैं उसकी फीलिंग अलग है, किराए के मकान में रह रहे हैं उसकी फीलिंग अलग है। हालांकि कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा, लेकिन ये है मोह जनित सुख। कौन सा सुख है ये? मोह जनित सुख दुख के साथ में है। अब आपने जितने सुख मैंने अभी गिनाए आपको, चाहे वो बच्चों का सुख हो, चाहे वो पति का हो, पत्नी का हो, सास का हो, ससुर का हो, चाहे वो भाई का हो, बहन का हो, जो भी उनसे सुख मिलता है, इस सारे सुख का नाम है मोह जनित सुख। इनका जन्म होता है मोह के कारण। किसके कारण हो रहा है? यदि मोह है तो सुख है, और मोह नहीं है, यदि मोह नहीं है, अब किसी को सोने से मोह नहीं है, अब उसको तुम 2 किलो सोना दे दो, बेकार है उसके लिए, उसको मोह नहीं है सोने से। होंगे संसार में ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें सोना पहनना, सोना रखना, सोना इकट्ठा करना अच्छा नहीं लगता होगा। एक को ज़मीन इकट्ठा करना अच्छा लगता है, एक को सोना इकट्ठा करना अच्छा लगता है, एक को नोट इकट्ठा करना अच्छा लगता है, एक को बैंक बैलेंस बनाना इकट्ठा करना अच्छा लगता है। तो ये जो सुख है ना, ये मोह जनित सुख है। जब तक मोह है तो सुख है, और मोह हट गया तो सुख हट गया। अब खाने का सुख है, अब मान लो किसी किसी को दूध पीना बहुत अच्छा लगता है, हाँ होते हैं, तो किसी किसी को दूध पीना बहुत अच्छा लगता है, वो दिन में 3 बार पीता है,
अब बुखार आ जाए। अरे बोलिए ना, बुखार आ जाए और पड़ जाए, अब खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। अब बताओ दूध का सुख रहा क्या? नहीं रहा। इसका मतलब जब तक शरीर ठीक ठाक है, जब तक शरीर ठीक ठाक है तब तक वो दूध ले रहा है। शरीर, तुम नहीं, तुम नहीं, अब इसमें शरीर आ गया। शरीर जब तक ले रहा है तो तुम दे सकते हो, उसने लेना बंद कर दिया तो तुम नहीं दे सकते। अब तुम कौन हो? आत्मा। और शरीर क्या है? पुद्गल। अब यहाँ दूध मुझे बहुत पसंद है, अब दूध तुम्हें यानी आत्मा को पसंद है या शरीर को पसंद है? और तुम शरीर हो नहीं, तुम शरीर हो नहीं, इसका मतलब तुमने शरीर की पसंद को अपनी पसंद मान ली है। बात समझ में आई कि नहीं आई? शरीर से मोह है, शरीर से मोह है, तो शरीर की पसंद मेरी पसंद। और शरीर से मोह नहीं है तो शरीर की पसंद मेरी पसंद नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बड़ी गहरी बात बता रही हूँ, समझने का प्रयास करना। संसार जिस सुख को तुम सुख मान रहे हो वो वास्तव में है क्या? कम से कम छोड़ नहीं पा रहे हो तो उसको जानने का प्रयास तो करो कि जो मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, लोग कहते मुझे लाल रंग बहुत पसंद है, मुझे पीला रंग बहुत पसंद है, मुझे नेवी ब्लू पसंद है। अरे तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारे ग्रह चक्कर जैसे होंगे ना, मंगल अच्छा होगा तो लाल रंग अच्छा लगेगा और मंगल खराब हो जाए तो सबसे बुरा लाल लगेगा। ये तुम्हें पसंद नहीं है, ये कर्मों को पसंद है। किसको पसंद है? कर्मों को पसंद है। अभी मैंने एक दिन बताया था, अब गर्मी का समय है, आप लोग पानी पीते नहीं पीते हैं? पानी पीते हो ना, कितने बार पीते हो? सुबह से शाम तक लगे ही रहते हो, है ना? इसका मतलब पानी पसंद है। पानी पसंद किसको पसंद है? तुम्हें। तुम पानी पी रहे हो या तुम्हें कोई पिला रहा है? बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है, समझने वाली बात है। तुम पानी पी रहे हो या तुम्हें कोई पिला रहा है? अब मैं आपको ये विषय दे रही कि आप दिमाग खर्च करो। अभी तक जितना काम करते ना वो बिना दिमाग खर्च किए करते हो। हाँ, दिमाग की रोटी बनाने में क्या दिमाग लगना, पता है, यूं अपने आप ही बिल जाती है, बन जाती है, अपने आप ही हाथ चलते मसाला चल जाता है और अपने आप ही छोंक जाती है सब्जी। पानी तुम पी रहे हो या तुम्हें कोई पिला रहा है? यदि गर्मी ना हो तो क्या तुम पानी पियोगे? बोलिए, गर्मी ना हो तो क्या तुम पानी पियोगे? नहीं पियोगे। इसका मतलब तुम्हें पानी किसने पिलाया? ऊपर वाले ने, ऊपर सूरज बैठा है ना, पानी किसने पिलाया? गर्मी ने। आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती, कब? ये अच्छी कौन लगा रही है? गर्मी लगा रही है। लग किसको रही है? शरीर को लग रही है। और मैं इसे अपने ऊपर लेता हूँ कि मुझे अच्छी लगती है आइसक्रीम, जबकि मुझे नहीं, शरीर को आवश्यकता है, गर्मी का मौसम है इसलिए शरीर को अच्छी लग रही है। और जहाँ जहाँ मैं नहीं हूँ और वहाँ वहाँ मैं अपने आप को घुसाता हूँ, इसका मतलब है मोह है। इसका मतलब है मोह है। क्या मतलब है? अब खूब बारिश हो रही है, 8 दिन तक बारिश लगातार हो रही है, फिर जरा दिन भर पानी पी के जितना जून के महीने में पिया था उतना पी के बताओ, नहीं पी पाओगे। इसका मतलब पानी तुम्हें नहीं चाहिए, तुम यानी आत्मा, पानी चाहिए शरीर को। किसको चाहिए? और हम सारे दिन क्या कहते हैं, मुझे पानी दे दे, मुझे पानी दे दे। अरे मुझे तो चाहिए ही नहीं है, फिर क्या कहें? अरे पड़ोसी को पानी दे दे। किसको पानी दे दे? मैं आत्मा और मेरा पड़ोसी शरीर, सबसे करीब का पड़ोसी है ना, फिर घर वाले जो और हैं वो थोड़े से बाहर पड़ोसी हैं, लेकिन सबसे करीब का पड़ोसी कौन है? मेरा शरीर है।
तो हमने शरीर को अपना मान लिया है, इसीलिए कहते हैं मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे वो पसंद है, और पुण्य के उदय में तुम्हें वो सारी चीज़ मिल भी रही है। अब एक जगह ऐसी भी होगी कि जहाँ तेल तो सस्ता होगा और पानी, ऐसा है कि नहीं? वहाँ पे तेल तो होगा 10 रुपये लीटर और पानी होगा 100-200 रुपये लीटर, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? और जिस पानी को तुम यूँ फेंक देते हो, जैसे तुम यहाँ तेल यूज करते हो, वैसे वो लोग वहाँ लोग वो लोग पानी को यूज़ करते हैं। तो ये मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मतलब आत्मा को, मुझे मतलब आत्मा को। फिर ये इच्छाएं कहाँ से पैदा हो रही हैं? ये इच्छाएं पैदा हो रही हैं मोह के कारण से। मुझे ज्वेलरी चाहिए, मुझे सोने का हार चाहिए, मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ऐसे बाल बनाने हैं, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, मुझे सोने की चेन पहनना है, मुझे ऐसे रंग की साड़ी पहनना है, मुझे ऐसी कोठी चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, मुझे मेरा बच्चा ऐसा करे, मैं ऐसा करवाना चाहता। ये जो चाह चाह है ना, जितनी वो मेरी नहीं है, मोह जनित है। जिस दिन ये मोह छूट जाएगा, उस दिन ऐसे हो जाओगे जैसे कि कुछ है ही नहीं है। इतनी गर्मी में दुकान जाते हो, नहीं जाते हो? जाते हो, रोज जाते हो, कभी कभी जाते हो? अरे इतनी धूप है, कैसे जाओगे? जाते हो? अच्छा, यदि ये कहा जाए कि जितने दुकान में आपको पैसा प्रॉफिट हो रहा है, उतना पैसा हम आपको देंगे, उतने घंटे आप पूजा करो, प्रवचन सुनो, स्वाध्याय करो, माला फेरो, आप यहाँ रहो, अच्छा ये बताओ, आपको आपके पास मकान है पुण्य के उदय में कि पाप के उदय में? पुण्य के उदय में। परिवार है किसके उदय में? आपका, आपको शरीर ठीक ठाक है आपका, किसके उदय में? पुण्य के उदय। आपके पास में भोजन की थाली सही लग के आ जाती है, किसके उदय में? पुण्य के उदय में। आपकी पांचों इंद्रियां ठीक ठाक हैं, किसके उदय में? पुण्य के उदय में। मैंने भी कहा था ना, क्षण भले ही क्षण भंगुर सुख हों, मगर मिलेंगे धर्म के प्रभाव से, बिना धर्म के नहीं मिल सकते हैं। अच्छा ये बताओ, तो पुण्य कहाँ से आया? धर्म से आया, देव शास्त्र गुरु की भक्ति से, तपस्या से, संयम से। आपने इसका मतलब, आपके घर में आज सब कुछ है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने पिछले जन्म में खूब धर्म किया था, जो आपको इस जन्म में इतना मिल गया है। किसके फल में मिला है? धर्म के फल में। किसके फल में मिला है? धर्म के फल में। अब धर्म के फल में जो कुछ मिला है, अब हम उससे क्या कमा रहे हैं, धर्म या अधर्म? जब धर्म से मिला है तो रुचि किस में होनी चाहिए? जब धर्म से मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ लगाना चाहिए? और ऐसा नहीं है कि धर्म केवल आप मंदिर में बैठ जाओ तभी धर्म होता है, ऐसा नहीं है। आप दुकान में बैठ के भी कर सकते हैं, आप घर में भी कर सकते हैं, आप सोते सोते भी कर सकते हैं, आप चलते चलते भी कर सकते हैं, क्योंकि धर्म करना है विचारों से। किससे करना है? विचारों से। आचार का, जब विचार अच्छे होंगे तो आचार का धर्म अपने आप अच्छा हो जाएगा। जब विचार अच्छे होंगे तो आचार का धर्म अपने आप अच्छा हो जाएगा, जब विचार और आचार दोनों अच्छे हो जाएंगे तो धर्म शुरू हो जाएगा आपका। जो सारी चीज़ धर्म के फल में मिली है, ये तो मान रहे हो ना? सबसे पहले तो इसको डन करो, हाँ या ना, कि जो कुछ जितना घर में, परिवार में, समाज में जो कुछ भी मिला हुआ है, वो सारा का सारा धर्म का फल है। इतना तो पहले आपको ये श्रद्धा बनानी पड़ेगी कि हमें जो कुछ मिला है, आंखें मिली हैं किसके उदय में? पुण्य के उदय में।
कान अच्छे मिले हैं पुण्य के उदय में, पाँव से चल पा रहे हो पुण्य के उदय में, हाथ से काम कर पा रहे हो पुण्य के उदय में। बहुत से दुनिया में ऐसे हैं ना जिनकी आँखें नहीं हैं, ऐसे भी होंगे जिनको सुनाई नहीं पड़ता है, ऐसा भी नहीं है जो बोल नहीं पाते हैं, ऐसे भी बहुत हैं कि जो बोल ही नहीं पाते हैं, ऐसे बहुत हैं जो चल नहीं पाते हैं, घिसट घिसट के चलते हैं, ऐसे भी बहुत हैं, ऐसे भी बहुत हैं जिनके हाथ नहीं है तो सारा काम पाँव से करते हैं। आपके पास में सब कुछ है ना, अरे बोलिए ना, हैं? अब उनका आप क्या कर रहे हो, उससे धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो? तिस मतलब मतलब गड़बड़ हो रही है, सही हो रहा है? होना क्या चाहिए? धर्म होना चाहिए। कर क्या रहे हैं? अधर्म। घाटा किसको होगा? इसका मतलब जो इस जन्म में मिला है वो यहीं तक सीमित है, अगले जन्म में नहीं मिलने वाला है, ये तो वैसे ही क्षणभंगुर है, नॉर्मली क्षणभंगुर है, कर्म से कनेक्टेड है। जैसा कर्म है वैसा नौकर्म, ये सारा नौकर्म, इसको नौकर्म बोलते हैं। बाहर की जितनी वस्तुएं हैं, शरीर हैं, जो कुछ भी है, इसे नौकर्म बोलते हैं। तो जैसा कर्म वैसा नौकर्म। तो आज जो मिला है और उससे यदि हमने धर्म नहीं किया तो आगे क्या होगा? अरे बोलिए ना, डर लग रहा क्या है? डर लग रहा क्या भाई? जो पैसा हमने पिछले जन्म में कमाया था, इस जन्म में बैठ के खा लो, और इस जन्म में ना कमाओ तो फिर क्या होगा? कभी तो पेटी खाली होगी, तुम्हारी पेटी में कितने भी नोट भरे हों, यदि तो उसमें डालो नहीं और निकालते निकालते जाओ तो एक दिन तो ऐसा आएगा जब खाली हो जाएगी। हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये सुख क्षणभंगुर है। कैसे हैं? क्षणभंगुर है। पुराना टिफिन खा रहे हो और नया टिफिन, हाँ यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। यदि वो ही आ जाए ना तो आज चाहे समाज हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, शांति हो जाए। चारों तरफ कोहराम मचा पड़ा है। घर में देखो तो कलेश अलग, व्यापार में जाओ तो कलेश अलग, मोहल्ले में बाहर बैठो तो कलेश अलग, विधायकों के पास में 100 तरह के कलेश, परिषद के पास में 100 तरह के कलेश, मंत्री के पास में 100 तरह के कलेश, मुख्यमंत्री के पास में हजारों तरह के कलेश, और प्रधानमंत्री के पास में लाखों तरह के कलेश। और जो मिला है ना उसको देखकर धर्म को याद कर लो। जो जो आप भोजन करते हो ना, तो जब थाली में सामने आए तुम्हारे, तो एक बार हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करना, धन्यवाद देना, गुरुओं को याद करना कि मेरे सामने बनी बनाई थाली आ गई और मुझे भोजन करने मिल रहा, ये धर्म का फल है। प्रभु ऐसी शक्ति देना कि मैं और धर्म करूं। जब आपको घर, जब आप घर में घुसते हैं, अपने मकान में घुसते हैं, तो प्रभु से फिर प्रार्थना करना, प्रभु आपने छाया दी है, आपकी भक्ति से मुझे छाया प्राप्त की है, और अब ऐसी छाया मिले कि मैं आपकी छाया में मोक्ष में जाके बैठ जाऊं, ये घर भी ना बदलने पड़े, मुझे तो ऐसी छाया चाहिए। अपने मकान को देख करके ये याद करना कि भगवान आपके ऊपर तो 3 छत्र लगे हुए हैं, और वो भी आपने नहीं लगाए, आपने अपना मकान तो खुद बनाया है, लेकिन भगवान ने वो छत्र अपने आप भी नहीं लगाए। किसने लगाए? देवताओं ने। भगवान ने क्या काम किया था? धर्म किया था। भगवान ने क्या किया? धर्म किया। तुम्हारा मकान तो ईंट मिट्टी का होगा, सीमेंट का होगा, लोहा लगा होगा, निकृष्ट धातु है। भगवान का महल कैसा बना है? समो शरण कैसा बना हुआ है? हैं? सोने का, चांदी का, और उसमें क्या कहते हैं, रत्न लगे हैं, स्फटिक मणि लगी है, लाल मणियाँ लगी हैं, और पन्ना रत्न लगे हैं, उसमें हीरे लगे हैं। बताओ, आप अपना सोफ़ा सेट बनवाते हो, खुद ही बनवाते, खुद के बैठने के लिए बनवाते नहीं बनवाते?
और भगवान का सिंहासन, स्वर्णिम सिंहासन कौन लाता है? इंद्रदेव लाता है। तुम करो धर्म सही, धर्म करना शुरू तो करो, ये सुख तो तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। तुम सुख के पीछे मत भागो, तुम तो धर्म को करो बस। तुम्हारा काम क्या है? धर्म करने का। क्या मिल रहा है वो तीर्थंकर का समोशरण देखो, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मिलेगा कि ना करना पड़ेगा। क्षण भंगुर तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे तीर्थंकर थे, पिछले जन्म में तपस्या करी तो फिर उन्होंने जन्म लिया, अगला जन्म जब आया तो फिर जब वो तीर्थंकर जिस जन्म में उन्हें बनना था, उनके घर में क्या कमी थी मुझे बताओ? उनके पास महल था कि नहीं था? उन्होंने खुद बनाया था या बना बनाया मिल गया था? उनको भोजन के लिए कमाई करनी पड़ी थी क्या? नहीं। उन्हें अपने वस्त्र के लिए खरीदने जाना पड़ा था क्या? सब देवो पुनीत है। ये किसका फल है? धर्म का फल है। किसका फल है? ये धर्म का फल है। आज जो आपको मिला है वो भी धर्म का फल है, और आगे यदि आप कर रहे हैं तो आगे भी धर्म के फल से मिलेगा, और अच्छे से कर लिया तो तीर्थंकर जैसा फल प्राप्त होगा, और आपको कमाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो दिन भर बेचारे पसीना बहाते रहते हैं, दिन के 2 बजे जा रहे, भागे जा रहे हैं पैसा लेने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, करते नहीं करते मेहनत है। तो एक सब चीज़ का एक ही रहस्य निकालो, एक ही राज है कि सबका फल, सच्चे सुख का फल, चाहे क्षणभंगुर सुख का फल, सुख ही धर्म ही है। आप क्षणभंगुर सुख के लिए प्रयास मत करो, आप प्रयास करो शाश्वत सुख के लिए। क्षणभंगुर सुख तो पीछे पीछे चले आएंगे। चक्रवर्ती कितना वैभव था, भरत चक्रवर्ती, भले तीर्थंकर नहीं बन पाए, भले तीर्थंकर नहीं बन पाए, चक्रवर्ती तो बने ना, चक्रवर्ती तो बने, 6 खंड के अधिपति हैं, 6 खंड के अधिपति, राज्य मिला, किससे मिला था? उनने कमाई करी थी? चक्रवर्ती बनने के लिए उनने कुछ कमाई वमाई करी थी क्या? कुछ युद्ध वुद्ध किए होंगे पहले, उसके बाद फिर वो चक्रवर्ती बने होंगे क्या? कैसे मेरे बने वो चक्रवर्ती? धर्म के फल से। 16 भाव तपस्या करी थी, मुनि बन करके जंगल में रह करके 16 भाव तपस्या करी थी, तब जाके 16वें भाव में चक्रवर्ती भी बने और मोक्ष भी गए। तो जो आप भगवान से मांगते हो ना, क्षण भंगुर सुख मत मांगो। भगवान से तो कहो मेरा मोह कम करवा दो। जितना जितना मोह कम होगा उतने उतने सुखी हो जाएंगे। अभी आप प्रैक्टिकल करो कि जिन चीज़ें, जो चीज़ आपके नाम पर नहीं है या आपकी नहीं है, उन चीज़ों का कष्ट आपको होता है क्या? यदि पड़ोसी के मकान में कुछ हो जाए तो कष्ट आपको होगा क्या? नहीं होगा। पड़ोसी का लड़का फेल हो जाए, नहीं होगा दुख? पड़ोसी की दुकान ना चले, दुख नहीं होगा? क्यों भाई, तुम्हारा पड़ोसी है? लगाव नहीं है उससे, क्या नहीं है? मोह नहीं है। तो जहाँ जहाँ मोह होता है वहाँ वहाँ कष्ट होता है। तो भगवान से क्या कहना है कि मेरा धीरे धीरे सब चीज़ से मोह कम करवा दो और मेरी आत्मा में लगन लगा दो। जब आत्मा में लगन लग जाएगी और मोह धीरे धीरे कम होगा तो मोक्ष तो बाद में जाएंगे, सुख मिलना पहले यहीं शुरू हो जाएगा। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। अच्छा, कौन सा सुख चाहिए आपको अब बताओ? हैं, एक व्यक्ति खेती करता है, हैं, वो तो उस वो खेती क्यों करता है? कि उसमें से भूसा निकलेगा इसलिए, या अनाज चाहिए इसलिए? अच्छा, आप लोग भी खेती, मान लो मेहनत कर रहे, प्रयास कर रहे, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो किस लिए करते? हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारा ऐसा हो जाए, इसलिए धर्म करते हो कि आत्मा में शांति हो और हमारा मोह कम हो, इसलिए धर्म करते हो? किस लिए करते हो धर्म? यदि आप आत्मा को लक्ष्य बनाकर धर्म करेंगे तो बाहर के सुख पड़े हुए अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है? और यदि आप
केवल अपने घर के संबंधित क्षणभंगुर सुखों को भगवान से मांगते हो, तो इसका मतलब है कि आप भूसा के लिए खेती कर रहे हो, आप अनाज के लिए खेती नहीं कर रहे हो। हे भगवान, स्वर्ग में ही भेजना, नरक में तो बहुत दुख है भगवान। मनुष्य गति भी देख ली, यहाँ भी शांति नहीं है, त्रयंच गति में भी शांति नहीं है भगवान, मुझे तो स्वर्ग ही भेजना। अच्छा बताओ, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ उठाओ, स्वर्ग जाना चाहते नहीं जाना चाहते? ऐसा कोई नहीं होगा जो स्वर्ग ना जाना चाहे, लेकिन आप मोक्ष का लक्ष्य बनाओगे तो स्वर्ग तो रास्ते में अपने आप ही मिल जाएगा, मांगने की ज़रूरत। भाई आपको यहाँ से कोटा जाना है तो देवली अपने आप बीच आ जाए, बीच में आएगा। अब आप कहोगे नहीं, पहले तो देवली चाहिए है। अरे तुम कोटा जा रहे हो तो देवली तो अपने आप मिलेगी मिलेगी, मोक्ष जाना है तो स्वर्ग तो अपने आप मिल ही जाएंगे। तो संसार में जो कुछ दिख रहा है वो किसका फल है? धर्म का फल है। किसका फल है? धर्म का फल है। जब धर्म का फल है तो धर्म का फल खा करके हमें, जैसे सांप दूध पीता है क्या उगलता है? जहर। गाय घास खाती है, क्या देती है? दूध। हम धर्म का फल खा रहे हैं तो क्या निकलना चाहिए उसमें से? धर्म ही निकलना चाहिए ना। कुछ और निकले तो इसका मतलब मशीन खराब है, दिमाग की, भावों की मशीन खराब है। उसको ठीक करने के लिए आप स्वाध्याय करें, प्रवचन सुने, धर्म करें। जो कुछ मिला है धर्म से मिला है, जो कुछ मिलेगा धर्म से मिलेगा। इसीलिए जितना टाइम बचता है व्यर्थ मोबाइल में ना रख करें, व्यर्थ आप इधर उधर ना करें, जितना ध्यान और ज्ञान कर सकते हैं उतना करें। जो धन इकट्ठा कर रहे हो वो आपके साथ नहीं जाएगा, जो ध्यान और ज्ञान करोगे वो आपके साथ जाएगा, वो फल देगा आपको। ठीक है, समाप्त करूं। अब ऐसा लग रहा है सो गए या खो गए? खो गए, खो गए हैं आपकी। वास्तव में जितना जो कुछ देख रहे हैं वो तो कुछ है ही नहीं है, माता जी ने तो उसको साफ़ कर दिया सारा। मैंने साफ़ नहीं किया, यही असलियत है, यही सच्चाई है। और सच्चाई जानने के बाद में तो ऐसे ही लगता है कि भगवान क्या गलती कर रहे हैं। चलिए मैं तीन चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में सात का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का, रजाई में रुई का, इंजेक्शन लगने पर उई का, और आने वालों में बांदी कुई का बड़ा ही महत्व है। बरात में वर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में मनावर का बड़ा ही महत्व है। सांगानेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में सांगानेर का बड़ा ही महत्व है। खनिया धाना, रसोई में धना का है, और गर्मी में पना का, और आने वालों में खनिया धाना का बड़ा ही महत्व है। परसोला, चढ़ाने में गोला का, मनुष्यों में भोला का, और आने वालों में पारसूला का बड़ा ही महत्व है। ललितपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में ललितपुर का बड़ा ही महत्व है। हाँ, राघोगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में राघोगढ़ का बड़ा ही महत्व है। बस हो गए? मुंगाड़ा, अच्छा। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में मुंगाड़ा का बड़ा ही महत्व है। थाना गाजी, अच्छा 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 अच्छा। मारने में बाजी का, होने में राजी का, और आने वालों में थाना गाजी का बड़ा ही महत्व है। बोलिए चौबीसों भगवान।